सोहराबुद्दीन केस मामले में एक जस्टिस की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। सोहराबुद्दीन मामला जो पहले से ही काफी ज्यादा विवादों में रहा था, उस पर जस्टिस थिप्से की ओर से यह बयान दिया गया है और उनकी ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि दरअसल सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में चूक रह गई थी। यानी कि कुल मिलाकर एक बार फिर से यह मामला तूल पकड़ेगा। बड़ी जानकारी जो जस्टिस थिप्से की ओर से दी गई है, उनकी ओर से स्पष्ट किया गया है कि जस्टिस थिप्से ने कहा है कि सोहराबुद्दीन मामले में चूक रह गई थी। और क्या कुछ कहा उनसे, उनसे बातचीत की है एबीपी न्यूज के संवाददाता ने, सुनिए। सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय थिप्से। थिप्से साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जहां पर गड़बड़ी हो रही है, जहां पर कि कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि सही नहीं है? गड़बड़ी ऐसे नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि ये जो नॉर्मल ट्रायल्स जैसे चलती है सेशंस कोर्ट में, उस तरह से ये ट्रायल चल नहीं रही है। और बहुत सारी बातें ऐसी हुई है इसमें जो आमतौर पर बाकी ट्रायल्स में होती नहीं। जैसे पहली बात तो यह है कि इसमें कई जो आरोपी है उनको कई साल तक बेल नहीं मिला था, उनको अलग अलग कोर्ट्स ने उनकी बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट की थी। अभी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की, उसका मतलब जब केस उसके अगेंस्ट स्ट्रांग होती है तभी बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती है। कुछ 5-7 साल के बाद कुछ आरोपियों को बेल मिली, उस हिसाब से पैरिटी के ग्राउंड पर दूसरों को भी मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को बेल दी थी ये ग्राउंड पर कि कस्टोडियल प्री ट्रायल डिटेंशन उनका काफ़ी देर तक हुआ है और ट्रायल इमीडिएटली चालू होने के कोई प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, इसलिए बेल दिया गया। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा था कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। डिस्चार्ज की, डिस्चार्ज का मतलब होता है कोर्ट ये नतीजे पर पहुंचता है कि इनके खिलाफ चलाने जैसा कोई मटेरियल है ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात आई नहीं है जिससे उनके ऊपर शंका ले सके, फिर डिस्चार्ज होता है। तो बात यह है कि अगर बेल के टाइम उनको बेल मिलने में इतनी दिक्कत है, तो बाद में 5-7 साल के बाद आप ये कैसे कर सकते हैं, कह सकते हैं, कोई लॉजिकली ये कैसे डाइजेस्ट किया जा सकता है कि आप बोलते हैं उनके खिलाफ केस ही नहीं है? क्योंकि अगर केस नहीं होगी तो तुरंत बेल मिल जाता है, ये एक बात है इसमें। दूसरे ऐसी है कि बेल एप्लीकेशंस कुछ जो डिस्चार्ज ऑर्डर्स है उसमें कुछ ये लिखा, मतलब हाईकोर्ट के जो कुछ ऑर्डर्स है जिसमें बेल दिया भी गया है उसमें ये कहीं लिखा नहीं था कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री कुछ ऑर्डर्स में तो लिखा है कि प्राइमा फेसी केस है, लेकिन ये 5-7 साल कस्टडी में है। खुद कहीं एक ऑर्डर में जो आपने बताया जैसे कि वंजारा को बेल देते हुए जजेस ने भी दिया है, उन्होंने भी, सभी ने यह बताया, इवन सुप्रीम कोर्ट ने जो छोड़ा उस पर भी यही लिखा है कि भाई पीरियड काफी हो गया है और ट्रायल चल नहीं रही है तो इनको प्री ट्रायल डिटेंशन ज्यादा और रखना जरूरी नहीं है। तो ये बेसिस पर जब कोर्ट देती है तो ये तभी देती है कि केस है उनके खिलाफ, इसीलिए उनको बेल नहीं मिल रहा था। और आप उसके बाद आप बोल रहे हो कि इनके पास तो कोई केस ही नहीं है इनके अगेंस्ट चलाने के लिए, ये थोड़ा अनयूजुअल है। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा मेटिकुलस डिस्कशन हुआ है बेल ऑर्डर्स में, लेकिन उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि हाईकोर्ट में वो कुछ रिविजन्स पेंडिंग है ऐसा मुझे अभी पता चला है, तो वो हाईकोर्ट विल डिसाइड। लेकिन ट्रायल कोर्ट में जिस तरह से 38 में से 15 लोगों को डिस्चार्ज किया गया जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी हैं, तो आपको लगता है कि जो हाईकोर्ट ने कई जगह पर विरोधाभास, जो ट्रायल कोर्ट ने कई जगह पर विरोधाभास दिखाया है इन मामलों पर अपना फैसला सुनाते हुए, कि कहीं कई मामलों में वो कई सबूतों को मान रही है, कई जगह पर जो है कई तथ्यों को नहीं मान रही है? ये बात मैंने नोटिस की है कि जैसे अभी कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं पुलिस ने, तो ट्रायल कोर्ट ने ऐसा व्यू लिया है कि इन पर रिलायबिलिटी, इन पर रिलाय नहीं हो सकते, बहुत मेटिकुलस स्क्रूटिनी उसकी की है और बोले है कि इस पर रिलाय नहीं हो सकते। लेकिन कुछ लोगों के खिलाफ जिनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है और केस चल रही है उनके खिलाफ भी वही मटेरियल है, तो उनके खिलाफ वो मटेरियल उन्होंने रिलायबल समझा है। फिर रही सैंक्शन की बात, सैंक्शन जो रहता है 197 CRPC में, तो मुझे लगता है 3 पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने इस ग्राउंड पर डिस्चार्ज किया है कि सैंक्शन ऑर्डर नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरा रिलायंस एब्सेंस ऑफ सैंक्शन पर भी नहीं दिया है। उन्होंने क्या बताया कि जैसे केस भी वीक है और सैंक्शन की भी जरूरी है, तो दोनों बातें, मतलब
एक किसी बात पर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों बातों को कंबाइन करके आप टोटैलिटी में बोलेंगे कि केस नहीं है तो ऐसा होता नहीं है, ये भी एक बात थोड़ी अनयूजुअल है। ठिपसे साहब, ये जानना चाहूंगा कि क्या आप ये मानते हैं कि हाईकोर्ट को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम मामलों को री एग्जामिन करना चाहिए फिर से एक बार? हाँ नहीं, मैं जरूर मानता हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर्स में जरूर देखना जरूरी है, और अगर कुछ रिविजन्स है हाईकोर्ट के सामने तो हाईकोर्ट विल एग्जामिन दैट, और हाईकोर्ट को तो सुयो मोटो भी पावर्स है, अगर उनको ये जो रिविजन्स फाइल की दिए वो सुनते समय अगर उनको लगता है कि बाकी भी ऑर्डर्स की जाँच की जाए तो हाईकोर्ट कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड एंड डिसाइड वेदर वो ऑर्डर्स सही है डिस्चार्ज के या नहीं। एक ये भी बात सामने आई कि इस जब ये मामला चल रहा था ट्रायल कोर्ट में तो उस दौरान मीडिया को गैग कर दिया गया, मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई, और फिर जब मीडियाकर्मी हाईकोर्ट के पास गए तब उन्हें राहत मिली और उसके बाद फिर से मीडिया कवरेज वहां का शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं, और ये खुद जो है आरोपी की बिना पर ये फैसला किया गया था मीडिया को गैग करने का, तो यहां पर भी आपको कुछ संदेहजनक नजर आ रहा है? यहां ये बात है कि ओपन ट्रायल इज अ रूल, और ओपन ट्रायल में सेफ्टी ज्यादा रहती है आरोपी को, सो आरोपी जनरली ये नहीं चाहते कि बिहाइंड क्लोज डोर्स ट्रायल हो, लेकिन इस केस में आरोपी लोगों ने एप्लीकेशन दिया था कि इसको पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए, इसे कोर्ट ऑर्डर पास करे, तो कोर्ट ने की थी और हाईकोर्ट ने राइटली वो सेट असाइड कर दी है, क्योंकि वो ऑर्डर ठीक नहीं थी अकॉर्डिंग टू मी, और हाईकोर्ट ने जो किया बिल्कुल सही किया है, क्योंकि वो अभी पाबंदी हटा दी है उन्होंने, तो ये बात थोड़ी अजीब है कि एक्यूज्ड जो पहले डिफिकल्टी में रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर केस हुआ होता है, उनको पकड़ा जाता है, तो उनको यूजुअली ओपननेस दे प्रीफर, एक्चुअली ये एक्यूज का राइट है, एक वैल्यूएबल राइट समझा जाता है, या एक्यूज खुद ही वो राइट सरेंडर कर रहे हैं, ये थोड़ी बात अनयूजुअल है और इससे थोड़ी शंका होती है। ठिपसे साहब, आखिरी सवाल आपसे, सीबीआई के जज लोया की रहस्यमय मौत को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी इसमें दो बातें हैं, मुझे पर्सनल नॉलेज तो इसमें कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन है, ये मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ चुका हूँ, अभी डेथ अननेचुरल है या मर्डर किया गया ये मुझे सच नहीं लगता, ये मेरा ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी, जो मैंने जो प्रेस में पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि, लेकिन बात यह है कि इसमें दूसरे भी एलिगेशंस है तो उनके ऊपर कोई प्रेशर था क्या, ये देखना जरूरी है। और उनके पहले जिस तरह से जजों का बार बार तबादला हो रहा था सीबीआई कोर्ट में, ये बात भी आपको लगता है कि यहां पर भी गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए? नहीं, बार बार तबादला होता था कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उनके पहले एक उत्पाद जज थे, उसके बाद लोया आए थे, तो बार बार हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर वो ट्रांसफर के बारे में भी वो मतलब पूरी टर्म उनकी नहीं हुई थी और उनको ट्रांसफर कर दिया गया, अगर उनको वो ट्रायल के लिए स्पेशली लाया था तो उनको हटाने की जरूरत नहीं थी बिफोर इवन द ट्रायल कमेंसेस, तो ये भी थोड़ा ये इसमें जानकारी मतलब इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्टन डाउट्स आर रेज्ड, कुछ एलिगेशंस किए गए हैं, इसलिए इसकी इस पर ओपिनियन तो फाइनल अभी देते नहीं है, दे सकते नहीं, लेकिन इसकी जाँच होना बहुत जरूरी है, इसके रीजन्स है क्या हाईकोर्ट के पास कि क्यों किया गया, फिर आफ्टर डेथ ऑफ लोया दूसरे जजेस को लाया गया, वो तो नेचुरल है बिकॉज किसी को तो लाना था, लेकिन डेथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अननेचुरल बातें थोड़ी सी लग रही है ये केस में, और हाई प्रोफाइल है कुछ आरोपियों का, तो उससे उनके लोया जज लोया उनकी डेथ के बारे में अगर कुछ करना है इंक्वायरी दैट सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड क्या करना है, लेकिन उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड जो फोन वो यूज करते थे उसका रिकॉर्ड लेना काफी जरूरी होगा अगर इसमें तहकीकात करनी है, तो उससे कुछ लाइट थ्रो हो सकता है। ठिपसे साहब, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस थिप्से को आप सुन रहे थे, कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। कहा गया है कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में कई खामियां रह गई हैं, एक बार फिर से ये पूरा का पूरा मामला गरमाता हुआ, केस की जांच में खामियां रह गई, ये कहा है जस्टिस थिप्से ने। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।